हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल शिवांशी एंड आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ग्रीन चिली के बारे में। जैसा कि मिर्च खाना बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है और बहुत से लोगों को मिर्च मसालेदार खाना ही पसंद आता है, ये बात सच है कि खाने में ज़्यादा मिर्च होने से खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। पर इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि मिर्च के बिना हमारा खाना पूरा कंप्लीट एंड टेस्टी लगेगा। अगर हम इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो ग्रीन चिली में न्यूट्रिशन वैल्यू एज कम्पेयर रेड चिली से ज़्यादा होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ग्रीन चिली, अगर हम 15 ग्राम फ्रेश चिली लेते हैं तो उसका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होगा कार्बोहाइड्रेट 1.3 ग्राम, प्रोटीन 0.3 ग्राम, फैट 0.1 ग्राम, फाइबर जो होगा 0.2 ग्राम होगा। एंड इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन के एंड मिनरल्स जो है उसमें पोटेशियम है एंड कॉपर है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके कुछ लाजवाब से फ़ायदे। अगर हम ग्रीन चिली को अपनी डाइट में डेली शामिल करते हैं तो ये हमारी पेन रिलीफ में काफ़ी हेल्प करता है, ये हमारे मुँह को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है एंड ये हमारे डाइजेशन को कंट्रोल में रखता है और साथ ही साथ ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है और ये हमें स्किन इन्फेक्शन से भी बचाता है। एंड अक्सर हमें कॉमन सा कोल्ड हो जाता है उससे भी हमें काफ़ी हद तक रिलीफ देता है और ये हमारे ब्लड शुगर को भी बैलेंस रखता है। ग्रीन चिली में मौजूद पोटेशियम जो है वो काफ़ी हद तक हमें हार्ट डिजीज के रिस्क से भी बचाता है। आगे हम बात करते हैं ग्रीन चिली के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है हमारे बॉडी को वो होता है बर्निंग सेंसेशन। तो आई सजेस्ट कि दिन में हमें 1 से 2 मिर्ची खानी चाहिए एंड अगर ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो हमें स्टमक पेन भी हो सकता है एंड डायरिया भी एंड कॉमन सा होता है माउथ अल्सर, जिन लोगों को होता है वो ज़्यादा मिर्च खाने की वजह से ही होता है। जैसा कि इसमें विटामिन सी है एंड बीटा कैरोटीन है जो कि हमें हेल्दी आइज़ एंड स्किन एंड हमारी इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करती है। और जितना हो सके हमें रेड चिली को अवॉइड करना है एंड ग्रीन चिली को अपनी डाइट में शामिल करना है। सो यू मस्ट इंक्लूड चिली इन योर हेल्दी डाइट। तो जैसा कि हमने जाना ग्रीन चिली के बेनिफिट्स काफ़ी हैं तो हमें अपनी डेली डाइट में इसे ऐड करना है स्मॉल क्वांटिटी में और इसके बेनिफिट्स लेने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।